हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट। और आज हम बताएंगे कि हम लोग किस तरह से, हमारे जो टीम है वो किस तरह से वर्क करती है और किस तरह से आप लोगों की हेल्प की जाती है। जैसे कि कई लोग आते हैं, अपना बिजनेस सेट करते हैं और ट्रेनिंग के बाद बिजनेस किया, इसके बाद उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती है। प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली है, जब नया काम करेंगे तो प्रॉब्लम तो आती ही। ये तो ऐसा कोई है नहीं कि बिना प्रॉब्लम के तो कोई काम ही नहीं बना है। तो जब प्रॉब्लम आती है तो फिर वो बंदे हमसे कांटेक्ट करते हैं, मतलब हमसे का मतलब पूरी टीम से कांटेक्ट। यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो हमसे करेंगे, कोई सेल्स से रिलेटेड होगा तो वो करेंगे, मार्केटिंग में मतलब टेक्निकल कोई पार्ट्स की ज़रूरत है तो भी हमसे करेंगे। तो इस तरह से बंदे मार्केट से कांटेक्ट करते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदा था जिसको ICO की प्रॉब्लम्स आ रही थी लैपटॉप के अंदर, तो उसका क्या किया, क्योंकि हमारे पास तो स्टूडेंट आते रहते जाते रहते हैं, मैंने उसका IC मंगाई और उसको फिर कोरियर करवा दिया। तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि ज़रूरी नहीं कि लैपटॉप की, फ़ोन का, किसी को फ़ोन का होल्डर चाहिए, फोल्डर ग्लास चाहिए, टच चाहिए, या कोई किसी प्रकार की DC सप्लाई, ऑसिलोस्कोप, डिजिटल मल्टीमीटर, आयरन, ठीक है, और किस कौन सा आयरन हमारे लिए बेस्ट होता है, आपको सारी चीज़ पूरा बताया जाएगा कि ये आयरन आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप यदि मोबाइल का काम कर रहे हैं तो ये आयरन बेस्ट रहेगा, LED TV के लिए ये आयरन बेस्ट रहेगा, कौन सा पेस्ट की ज़रूरत होती है, कितने mm का सोल्डिंग वायर का यूज करना है, ठीक है ना। कई लोग क्या करते हैं, जो माइनर छोटा होता है ना, कम गेज का, वो नहीं करते mm का। जैसे कि एक 0.25 mm का वायर आता है, एक 0.5 mm का आता है, 0.1 mm का भी आता है। तो अलग अलग वायर के गेज होते हैं, तो उसमें कौन सा वायर, कितने mm का वायर किस में यूज करना है वो सारा कुछ बताया जाए, कौन सा पेस्ट कहाँ पर यूज करना है, किस क्वालिटी का पेस्ट रहेगा, कौन सी डिसोल्डिंग वायर। कई डिसोल्डिंग वायर ऐसी होती है जिसमें आपके ट्रैक भी उखड़ जाते हैं या वो सही से काम नहीं करते, बोलते सर हमारे डिसोल्डिंग वायर तो काम, उनको प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा कि ये कंपनी की, ऐसे खरीदो, यहाँ से खरीदो, ऐसे खरीदो, ये करो, पूरा गाइड किया जाता है जिससे कि वो परचेज कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन, कई जैसे कि आपको OCM मशीन की ज़रूरत है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, सर नहीं मिल रहा है, ये है वो है, वो उसको सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है, उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, मार्केट में कहाँ पर मिल रही है, और दूसरा कंडीशन चीप एंड बेस्ट कहाँ पर मिल रही है, मतलब कम पैसे में मशीन ये चीज़ वो कहाँ मिलेगी, कौन सी कंपनी की है बेटर, सारा कुछ गाइड किया जाता है। बस केवल आप हेल्प मांगें तो आप अपने आप ही मांगते रहेंगे तो फिर बात ही अलग है, लेकिन जो स्टूडेंट हमसे मतलब टीम से हेल्प मांगते हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग की ही क्यों ना हो, यदि आप डिजिटल मार्केटिंग की भी हेल्प मांगते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कैसे होता है, इसमें क्या क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाएगी। तो इस तरह के टूल्स से रिलेटेड, पार्ट्स से रिलेटेड, कोई रिपेयरिंग के लिए पार्ट्स चाहिए, मदरबोर्ड चाहिए, स्क्रीन चाहिए, आपको बैटरी चाहिए, अडोप्टर चाहिए, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, खासतौर से जो दिल्ली से बाहर रह रहे हैं, तो उनको किस तरह से हेल्प की जाएगी वो आपको सारा कुछ हेल्प किया जाएगा। किसका नंबर है, कौन यहाँ पर है, किसके नंबर है, डिस्ट्रीब्यूटर के नंबर, कौन सा बंदा कोरियर करेगा, कौन सा बंदा आपकी हेल्प कर देगा, कौन सा बंदा IC आपके घर तक पहुँचाएगा, वो सारा कुछ दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपको टूल्स के हो गया, पार्ट्स का हो गया, डिजिटल मार्केटिंग का हो गया। आप पार्ट्स चाहे आपका आईफोन का हो, चाहे एंड्रॉयड फ़ोन का हो, चाहे आपका मैकबुक का हो, चाहे वो लैपटॉप का हो, चाहे वो LED TV का हो, और चाहे वो CCTV और प्रिंटर का हो, हर तरह के पार्ट्स की सपोर्ट दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।